हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान सी और बहुत ही सोबर सी ये डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे फूल दिख रहे होंगे, तो ये मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाकर रखी हुई है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 सिलाइयाँ बनानी होंगी, रिपीट करनी होंगी। ये 8 सिलाइयों का ये मैंने यहाँ पर पूरा 8 सिलाई कंप्लीट करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद जब इसी में रिपीट करूँगी इसी को, तो वो आप देख लीजिएगा। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी होगी और 6 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे, जिसमें हमें एक फंदा एक्स्ट्रा ऐड करना है। 6 के मल्टीपल में फंदे हम अपने प्रोजेक्ट में लेंगे और उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो ये हमारी डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 8 सिलाइयाँ बनाई हुई हैं, तो अब मैं इसी 8 सिलाइयों को रिपीट करके आपको दिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन हमारी कैसे बनेगी। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो आप भी बनाइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो देखिए हमें क्या करना है, शुरू करते हैं हम डिज़ाइन। तो सबसे पहले तो हम देखिए यहाँ पे मैंने जो है 2 कलर में बनाया है। आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं और सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन रखा है। तो ये 10 नंबर की सिलाई है और ये बेबी वूल है वर्धमान की, जिससे मैंने बनाया है डिज़ाइन। तो सबसे पहले हमें जो हमारी शुरू की 4 सिलाइयाँ हैं, नॉर्मल सीधी और उल्टी बुनी जाएंगी, जो 4 सिलाइयाँ हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइट कलर लगाया था, तो अब हमें डार्क कलर लगाना है। तो सबसे पहले हम 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल सीधा हमें इस तरीके से बुनना है, जैसे हम नॉर्मल सीधा बुनते हैं। इसी तरीके से पहली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी पहली सिलाई जो कि सीधी है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमारा ये दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई हमें नॉर्मल उल्टा बुनना है, जैसे हम सीधी और उल्टी सिलाई में बुनते हैं। तो ये देखिए उल्टा हमें बुनना है इस तरीके से, मैं आपको बता दे रही हूँ एक बार। तो इस तरीके से ये पहली और दूसरी हो गई, तीसरी और चौथी भी हम सीधा और उल्टा बुनकर 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी की कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद। देखिए ये यहाँ पर मैंने 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारी जो है जो 4 सिलाइयाँ बाकी है, अब उन्हें हम बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारा लाइट कलर लगेगा। तो ये जो हमारे फ्लावर जो ये बने हुए हैं, तो अब हमें ये बनाने हैं। तो देखिए कैसे क्या करना है, ये 4 सिलाइयाँ नॉर्मल बुनने के बाद हम दूसरा जो कलर हमारा जो भी होगा, मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिया हुआ है, क्रीम कलर। तो पहली सिलाई तो हम पांचवी सिलाई तो हम सीधी बुनेंगे और उल्टी तरफ से इसमें डिज़ाइन डाली जाएगी। तो पांचवी सिलाई हम इस तरीके से पूरी कर लेते हैं। बहुत आसान सी डिज़ाइन है और ये हमारे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। देखने में समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर एक बार बनाते हुए देख लो तो फिर आ जाता है समझ में। तो इस तरीके से ये पांचवी सिलाई कंप्लीट कर लेंगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमें छठी सिलाई में क्या करना है। हम अपने जो भी प्रोजेक्ट हम जो भी बनाएंगे, उसमें हम 6 के मल्टीपल में फंदे लेंगे और एक फंदा हम उसमें एक्स्ट्रा रखेंगे, तो हमारी ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट इसका बहुत अच्छे से बनेगा। तो ये हमारी पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये हमें देखिए अब हमारी ये मेन डिज़ाइन बनेगी। तो देखिए इस तरीके से हमें उल्टी तरफ से सीधा बुनना है। तो मैंने देखिए ये सिलाई ऐसे डाली है और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे
और जो पांच फंदे हैं, जो छः छः का है, छः छः मल्टीपल में छः फंदों का एक सेट बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक फंदा सीधा बुना उल्टी तरफ से छठी सिलाई में। अब दूसरे फंदे में हमें देखिए क्या करना है कि ऊन को इस पर तीन बार लपेटना है, दो और तीन, ये तीन बार लपेटना है। पांच फंदों को तीन बार लपेटकर हम बुनेंगे ऐसे, देखिए ये तीन बार लपेटना है, तीन चार ये पांच। तो एक फंदा सीधा बुनेंगे उल्टी तरफ से छठी सिलाई और पांच फंदे हम ऊन को सिलाई पर ऊन तीन बार लपेटेंगे, उस तरीके से बुनेंगे। फिर से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा और पांच फंदे ऊन को सिलाई पर तीन बार लपेटेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ये हम देख लेंगे, ये चार बार हुआ और ये पांचवा फंदा, एक दो तीन। फिर से एक फंदा सीधा, फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट किया, पांच फंदों पर हमें सिलाई पर ऊन लपेट कर तीन बार लपेटेंगे और फिर बुनना है, दो तीन चार पांच। फिर से एक फंदा सीधा, फिर से ऊन लपेटेंगे, एक दो तीन चार। अगर आपको लगता है कि गलत है, अगर जैसे काउंटिंग में कुछ गलती हुई है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई है मुझसे, तो इस तरीके से हम देख लेंगे। एक दो तीन चार और ये पांचवा। तीन बार ऊन को लपेटना है सिलाई पर, ये याद रखिएगा, एक हो गया। फिर से हम पांच फंदों पे ऊन को तीन बार सिलाई पर लपेटेंगे, ये चार और ये पांच और एक फंदा सीधा आखिरी का। ये हमारा देखिए, ये हमारी छठी सिलाई कंप्लीट हो गई, देखिए इस तरीके से दिख रही है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, जो फंदा हमने एक सिंगल बुना है सीधा, उससे हम सीधी तरफ से भी सीधा बुनेंगे। अब ये जो पांच फंदे हैं जो ऊन लपेट कर बुना है, तो इन पांच फंदों को हम खोल लेंगे, पहले खोल कर इस साइड की सिलाई पर ले लेंगे। ये पांच फंदे खुल गए। अब देखिए हमें क्या करना है, ऊन जो हमारा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पकड़िए, ऊन जो हमारा है उसको हम इधर लाएंगे, ठीक है, ये हमने इधर ले आए। और फिर से हम इन पांच फंदों को इधर ले लेंगे, ठीक, फिर से हम ऊन को इधर करेंगे और फिर से हम पांच फंदों को इधर ले लेंगे, फिर से हम ऊन को इधर करेंगे और फिर से पांच फंदों को हम इधर ले लेंगे। ये दो बार हमें इस तरीके से लपेटना है और फिर हमें एक फंदा सीधा बुन देना है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ऊन को खोल लिया, पांच फंदों को खोल लिया। अब ये हमारे पांच फंदे एक साथ हो गए, तो हमें पहले, सबसे पहले तो हम इसे ठीक से ऐसे पकड़ेंगे और जो हमारा ऊन है हमारी, इसे ऐसे लाएंगे और फिर से हम इस पे लेंगे फंदों को, फिर से ऊन हम इधर रखेंगे,
फिर से सिलाई पर इधर लेंगे फंदों को, फिर से ऊन एक बार ऐसे करेंगे और फिर से हम इसको इधर करेंगे एक बार, फिर से ऐसे और फिर से इधर। ये देखिए इस तरीके से ये दो बार हमें राउंड करना है और फिर इसके बाद हमें एक फंदा सीधा बुन देना है। ज़्यादा टाइट हम नहीं करेंगे, नॉर्मल हाथ से अपना ऐसे बनाएंगे। ये देखिए दो फूल यहाँ पे हमारे बन गए। तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें पूरी अपनी सातवीं सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये पांच फंदे हमारे खुल गए। अब इन पांच फंदों को हम थोड़ा ध्यान से ये पकड़ेंगे और ऊन को पहले हम इधर लाएंगे और फिर से इन पांच फंदों को हम इधर कर लेंगे और फिर ऊन ऐसे करेंगे और फिर से इस सिलाई पर लेंगे, ऊन फिर से इधर किया और फिर से इस सिलाई पर लेंगे, ऊन फिर से एक बार इधर किया। देख लीजिए आप ध्यान से, और ये देखिए ऐसे हो गया और हमें एक फंदा सीधा बुन देंगे इस तरीके से। देखिए ये बन गया हमारा। फिर से हम उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये पांच फंदे खुल गए। ये थोड़ा ढीला रहता है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा सा ध्यान देने की बात है। ये देखिए हम ऐसे करेंगे, फिर से इसको ऐसे कर लिया, फिर से इधर किया, फिर से इधर किया, फिर से इधर किया और इसको सीधा बुन दिया। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए ये हमारी सातवीं सिलाई भी कंप्लीट हो रही है। सॉरी ये हमारा लास्ट का फंदा, अब हम इसे सीधा बुन देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब हमारी लास्ट सिलाई आ गई, आठवीं सिलाई आ गई। आठवीं सिलाई में देखिए हमें क्या करना है। उल्टी तरफ से हमें सारे फंदे सीधे बुन देने हैं। उल्टी तरफ से सीधा बुनते हुए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें कंप्लीट करनी है। आठवीं सिलाई में देखिए हमें उल्टी तरफ से सारी सिलाई, पूरी सिलाई हमें इस तरीके से सीधी बुननी है। तो इस तरीके से सीधी बुनकर हम आठवीं सिलाई भी अपनी कंप्लीट करते हैं। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी आठ सिलाई कंप्लीट हो गई। तो ये डिज़ाइन हमारी इस तरीके से देखिए दिखती है, कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन है और बहुत जल्दी जल्दी सी बन जाती है। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप भी बनाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और डिज़ाइन ये हमारी तैयार है बनकर।